आवाज न्यूज के प्रदेश ब्यूरो चीफ गणेश भाटी की खास बातचीत। पुष्कर अजमेर के भारतीय बुद्ध संघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रहलाद भाई चौहान से कई मुद्दों पर की खास बातचीत। हेलो प्रहलाद भाई, आज की आवाज न्यूज से गणेश भाटी पुष्कर। अभी आप लोग भारतीय बोध संघ से हो, तो जो इमरजेंसी आपने मीटिंग बुलाई है, तो किस बाबत में थोड़ा डिटेल में बताइए। भारतीय बोध संघ जो ये राजस्थान इकाई और हमारे राजस्थान के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी राठौर और ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय बोध संघ के पंथीय संगठन राहुल जी, कल यहाँ पर जो ये राजस्थान के 7 संभाग हैं और 7 संभाग के जो हमारे कन्वीनर हैं वो सारे उपस्थित रहे और यहाँ पर हम लोग ने तय किया और यहाँ भारतीय बोध संघ का एक समानता समरसता रथ यात्रा निकाली जाएगी। और ये रथ यात्रा ये के पहले हम लोग 3 महीना हर जगह में जाएंगे, हर जिला प्लेस पर जाएंगे, ब्लॉक प्लेस पर जाएंगे और सब हमारा संगठन को मजबूत करेंगे। हमारा संगठन को मजबूत करने के बाद हम लोग आने वाली 2018 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म जयंती अवसर पर ये रथ का प्रारंभ होगा यहाँ जयपुर से और इसके बाद में इसका समापन भी होगा। लेकिन समापन की तारीख हम लोग हमारा दोबारा बैठक होगी और हमारे दोबारा बैठक में हम लोग ये तय करेंगे कि इसका समापन या तो हमारी सोच है कि कोई धार्मिक स्थल या रामदेवरा रनुजा या फिर कोई ये पुष्कर ऐसी जगह में हम इसका समापन करने जाएंगे और समापन में सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग उपस्थित रहेंगे और हमारा ये संकल्प यात्रा राजस्थान में 200 जो विधानसभा सीट है वो विधानसभा सीट कवर करेगी और हर विधानसभा सीट में जितने भी गांव ब्लॉक जो आता है वहां पर जाएंगे और ये यात्रा हम सफल बनाएंगे। ये हमारी यात्रा का जो उद्देश्य है, जो ये समाज के अंदर भारतीय समाज के अंदर जो ये सामाजिक असमानता फैली हुई है, ये असमानता को हम लोग क्या है कि भारतीय बोध संघ के माध्यम से असमानता को दूर करना का प्रयास करेंगे और जो ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले राव हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं और जितने हमारे बड़े बड़े जो प्रेरणादायक साधु संत हैं इनकी प्रेरणा से हम लोग क्या है कि समाज में जो प्रवेश है वो जातिवाद को नाबूद करने का हम काम करेंगे और समाज की सद्भावना और समरसता लाने का काम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। कल आपने पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा जी की पूजा करके कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये आगे वापस शुरुआत तो पुष्कर से करेंगे या और दूसरी जगह करेंगे? और ये अपना धार्मिक संस्था है तो सब धर्मों को साथ में लेकर चलेंगे या हिंदूवादी रहेगी? नहीं, इसमें ऐसा है कि कल हम लोग जो आए और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संघप्रिय राहुल जी हमारे साथ थे, हमारे जो राजस्थान के अध्यक्ष शिवराज सिंह राठौर जी भी हमारे साथ थे, हमारे प्रदेश सचिव मनोहर राठौर जी, गणेश भाटी जी या हमारे राजेंद्र नागर जी, हमारे रणछोड़ भाई रावत, हम लोग सब लोग मिले हैं और मिलकर हमने एक पहली बैठक हुई है और पहली बैठक में हम लोग क्या है कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के मंदिर गए और ब्रह्मा जी के मंदिर जाके क्या है कि हमने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद में हमारी जो बैठक हुई और इसमें हम लोगों ने तय किया है कि हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले हम जयपुर से, जो जयपुर यहाँ का कैपिटल है, तो जयपुर से हम शुरुआत करें। लेकिन हमारा कुछ लोगों का अभी कहना है कि भाई धार्मिक स्थल है पुष्कर तो पुष्कर से भी किया जाए, तो ये हम लोग ये क्या है कि दोबारा हमारी बैठक होगी और दोबारा बैठक में हम तय करेंगे या जयपुर से हम रवाना कर सकते हैं और हम लोग क्या है कि पुष्कर से भी रवाना कर सकते हैं और ऐसे हमारा क्या है कि तारीख और डेट और समय तय किया जाएगा। आप राजस्थान भारतीय बोध संघ के प्रभारी भी है और गुजरात से भी है, गुजरात में भी आपने रथ यात्रा चलाई है, तो अभी राजस्थान में भी रथ यात्रा चालू करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे जो राजनीति में होंगे या सामाजिक? नहीं, हमारा उद्देश्य जो भारतीय बोध संघ का है और इसमें राजनीति नहीं है,
हम राजनीति के लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हम जो अलग जो धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो और किसी के धर्म भी हमारे साथ में क्या है कि आ सकता है और अपना क्या है कि सामाजिक समरसता का काम कर सकता है। तो इसी उद्देश्य आपने जो कहा कि गुजरात, तो गुजरात में हम लोगों ने ये 6 महीना प्रयास किया और वहां भी क्या है कि अच्छी फलश्रुति रही। वहां पर काफी कार्यकर्ता लोग हमारे क्या है कि पैदा हुए और गुजरात में हर काफी का डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर भी हम पहुंच गए। तो ये हमको समय कम मिला था गुजरात में और ये चुनाव के तक हम लोगों ने किया। हमारा समापन भी करना था गिर सोमनाथ में, लेकिन गिर सोमनाथ में समय करने के आचार संहिता का मामला आ गया तो वहां पर रुक गया ये मामला। अब हम लोग राजस्थान में आए हैं तो राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में अब हमारा 100 अमेरिका के 33 जिला है। तो 33 जिला में क्या है कि विधानसभा सीट भी है, तो इसमें 200 सीट है। तो ये 200 सीटों पर हमारा क्या है कि भारतीय बहुत स्वतंत्र रहेगा और भारतीय बहुत संघ स्वतंत्र रूप से काम करेगा। हमारी कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और हम क्या है कि भारतीय बहुत संघ का बहुत मजबूत संगठन राजस्थान में एक हमारा क्या है कि मॉडल बनाएंगे और इसी राजस्थान मॉडल को लेकर हम पूरे देश में जाएंगे। गुजरात में भी रथ यात्रा चली तो लोगों का कहना है कि आप पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए ये सब मुहिम चला रहे हैं, इसमें क्या असर दिखा? मैं पार्टी मुहिम का जो बात आती है तो ये पार्टी में तो क्या है कि भाई कुछ लोग जो है वो आना चाहते हैं, पार्टी में होते हैं, तो इन लोगों को क्या है कि पार्टी में से कोई आता है और पार्टी की बात करता है तो इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई और भी पार्टी हो, और ये सब पार्टी के लोग इसमें आ सकते हैं, अपना क्या है कि वो काम कर सकते हैं और जिसको जिस नेता के पास में जिसका विश्वास है जावे, इसमें हमारा कोई पाबंदी नहीं। अभी आप प्रदेश प्रभारी भी है तो आपका जो संगठन राजस्थान का वो किस हिसाब से खड़ा करेंगे? नहीं, इसी को क्या है कि हमने हमारा जो अध्यक्ष शिवराज सिंह राठौर जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और ये सालों से क्या है कि यहाँ पर इन्होंने पूरा राजस्थान को पहले भी क्या है कि घूमकर खड़ा किया था और सारा संगठन में वो माहिर है। मैं भी इनके साथ में हूँ, हमारे और ये गणेश भाटी की भी साथ है, ये सारे लोग हमारी टीम मजबूत है राजस्थान में। तो राजस्थान गुजरात से ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा राजस्थान में, तो राजस्थान में हम अभी से प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है राजस्थान के लोगों के ऊपर कि हमारा संगठन नंबर वन राजस्थान में होगा। आप बहुत सालों से इस टीम के साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और आपका जो उद्देश्य आप लेके आए उसमें बहुत बहुत सफलता मिलेगी, हम यही भगवान ब्रह्मा जी से दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला